बच्चों आज का टॉपिक है अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम क्या होता है? कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा, मेमोरेंडम एक अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट है। कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई बदलाव नहीं कर सकती। कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तभी बदलाव कर सकती है जब कंपनी एक्ट में दिए गए प्रोविजंस को फुलफिल करती है या कंडीशंस को फुलफिल करती है, तो ही कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव कर सकती है। तो इसी वजह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट कहा गया है। तो अगर कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना चाहती है तो वो किस तरह से बदलाव कर सकती है, वो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखो, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डिफरेंट क्लॉजेस पढ़े, जिसमें से फर्स्ट क्लॉज था नेम क्लॉज। तो अगर कंपनी नेम क्लॉज में बदलाव करना चाहती है, नेम क्लॉज में अल्टरेशन करना चाहती है, तो वो किस तरह से कर सकती है? तो देखो, अगर कोई भी कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव कंपनी के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या फिर किसी अदर रीजन के लिए करना चाहती है, तो कंपनी को क्या करना होगा? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। और कंपनी का जो रजिस्ट्रार है उसके पास जो है एक एप्लीकेशन कंपनी के नेम में चेंज करने के लिए जो है देनी होगी, और उस एप्लीकेशन के साथ स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी एंड जो कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसकी जो कॉपी है वो साथ लगानी होगी। जब कंपनी इन कंडीशंस को फुलफिल कर देती है तो जो रजिस्ट्रार है वो कंपनी को नेम चेंज करने की जो परमिशन है वो दे देगा। इसके अलावा सेकेंड है बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन इन नेम, कि अगर किसी कंपनी का नेम बाई मिस्टेक किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से सिमिलर है या एग्जिस्टिंग कंपनी जैसा ही है, तो अगर कंपनी उस नेम को चेंज करना चाहती है तो कंपनी नेम को चेंज करने के लिए एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगी। इसके साथ साथ वो रजिस्ट्रार से कंपनी के नेम को चेंज करने की जो प्रायर परमिशन है वो लेगी। तो इस तरह से जो कंपनी है वो कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार जो है नेम में बदलाव कर सकती है। इसके बाद है सेकंड क्लॉज, अल्टरेशन इन सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में कंपनी बदलाव करना चाहती है तो वो किस तरह से कर सकती है? तो अगर कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को सक्सेसफुली जो है रनिंग के लिए या स्मूथली रनिंग के लिए या फिर कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको बदलना चाहती है, तो वो किस तरह से उसमें बदलाव कर सकती है? फर्स्ट है शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सेम सिटी और टाउन। तो जब कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेम सिटी में बदलना चाहती है तो वो किस तरह से बदल सकती है? तो इसमें क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, मस्ट फोर्स रेजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे एंड गिव न्यू एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस टू ROC। और जो नया एड्रेस जो चेंज किया है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो विद इन 30 डेज किसको देंगे, रजिस्टर ऑफ कंपनी को सबमिट कराएंगे। तो इस तरह से अगर सेम सिटी में जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो पन प्लेस से अनदर प्लेस पर बदलाव किया जाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उस एड्रेस के चेंज की जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी को विद इन 30 डेज जो है देंगे। इसके बाद है शिफ्टिंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर इन सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट में एक टाउन से दूसरे टाउन पर अगर एड्रेस चेंज किया जाता है तो वो कैसे होगा? इसमें क्या है, फ्रॉम यूरिडिक्शन ऑफ वन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी टू यूरिडिक्शन ऑफ अनदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जब कंपनी का जो एड्रेस है वो एक टाउन से दूसरे टाउन में चेंज होता है और जो कंपनी है वो एक रजिस्ट्रार की यूरिडिक्शन से दूसरे की मतलब यूरिडिक्शन में आ जाती है, तो इस केस में जो है रीजनल डायरेक्टर की जो कन्फर्मेशन है वो लेना जरूरी होगा। मतलब जब कंपनी जो है एक रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार से दूसरे रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में आ जाती है तो इस केस में जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं उनकी कन्फर्मेशन लेना मैंडेटरी होगा। और कंपनी क्या करेगी, एक एप्लीकेशन किसको देगी, रीजनल डायरेक्टर्स को देगी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में कंपनी एक एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर को देगी। इसके बाद जो रीजनल डायरेक्टर है वो कन्फर्मेशन विद इन 4 वीक्स फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन किसको दे देगा, कंपनी को दे देगा। तो इस तरह से जब
जो कंपनी का एड्रेस है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन जो है सेम स्टेट में अगर चेंज होता है, तो इस तरह से जो कंपनी है वो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकती है। इसके बाद थर्ड है शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज करना है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी मस्ट पास स्पेशल रिजोल्यूशन एंड फाइल ए कॉपी विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज। कंपनी क्या करेगी, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी और उसकी एक कॉपी किसको भेज देगी, रजिस्टर ऑफ कंपनी को भेज देगी विद इन 30 डेज। इसके बाद कंपनी क्या लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, परमिशन देने से पहले क्या देखेगी भी जो कंपनी एड्रेस चेंज करना चाहती है रजिस्टर्ड ऑफिस का, क्या उसके बारे में कंपनी ने सभी जो भी मतलब पार्टीज हैं, जिन पार्टीज का कंपनी में इंटरेस्ट है उन सभी पार्टीज को इन्फॉर्म कर दिया गया है और उन सब पार्टीज की जो कंसेंट है वो ले ली गई है। कहीं जो कहीं ऐसा तो नहीं है जो पार्टीज हैं उनका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने से जो है उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो। तो जब ये सब बातें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कन्फर्म कर लेती है, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जो परमिशन है वो किसको देगी, कंपनी को देगी। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी मस्ट फाइल विद रजिस्ट्रार एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ए कॉपी ऑफ मेमोरेंडम विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। अब कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाएगी तो कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी एंड मेमोरेंडम की कॉपी विद इन 3 मंथ्स किसके पास जमा कराएगी, रजिस्ट्रार के पास जमा कराएगी। इसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको अपने उसको मतलब जो उस इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करेगा और उस रजिस्ट्रेशन को जो है सर्टिफाइड कर देगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। तो इस तरह से अगर कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना चाहती है तो इन प्रोसीजर्स के थ्रू ही जो कंपनी है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकती है। इसके बाद है अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में बदलाव करना काफ़ी मुश्किल एक्टिविटी है, फिर भी अगर कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज में अल्ट्रेशन करना चाहती है तो उसको वो इन इन एरियाज के लिए जो है ऑब्जेक्ट क्लॉज में अल्ट्रेशन कर सकती है अंडर सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट। तो किस पर्पज़ के लिए, टू कैरी बिजनेस मोर एफिशिएंटली, अपने बिजनेस को मोर एफिशिएंटली कैरी करने के लिए, चेंज लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस, अपने ऑपरेशंस का एरिया चेंज करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज का एरिया चेंज करने के लिए, या फिर टू अमलगेमेट द कंपनी विद एनी अदर कंपनी, किसी अदर कंपनी से अमलगेमेट करने के लिए। तो इन एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि जो कंपनी है वो अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना चाहती है तो वो विद इन लिमिट कर सकती है, तो इन अगर इन एरियाज के लिए कंपनी जो है ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना चाहती है तो इन एरियाज के लिए वो कंपनी क्या है ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर सकती है। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देने से पहले क्या देखेगी भी, इसकी इन्फॉर्मेशन सभी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को दे दी गई है और सभी इंटरेस्टेड पार्टीज़ की जो परमिशन कंसेंट है वो ले ली गई है। इसके अलावा इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दे दी गई है, ताकि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अगर चाहे तो वो अपनी जो ऑब्जेक्शंस है या सुजेशंस जो है कंपनी को प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से जब ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये सारी जो बातें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंफर्म कर ली जाती हैं, तो इसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे देती है, परमिशन दे देती है। इसके बाद कंपनी क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्ट्रेशन, इसमें कंपनी क्या करेगी, गवर्नमेंट का जो है ऑर्डर, गवर्नमेंट का ऑर्डर और जो मेमोरेंडम की कॉपी है उसको विद इन 3 मंथ किसके पास जमा कराएगी, रजिस्ट्रार के पास जमा कराएगी, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको रजिस्टर करेगा और उसको जो रजिस्ट्रेशन को सर्टिफाइड कर देगा वो विद इन 1 मंथ। तो इस तरह से कंपनी जो है ऑब्जेक्ट क्लॉज में बदलाव कर सकती है। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन इन लाइबिलिटी क्लॉज भी, अगर कंपनी लाइबिलिटी क्लॉज में बदलाव करना चाहती है तो लिमिटेड कंपनी के केस में, कोई भी लिमिटेड कंपनी जो है कैन नॉट बी अल्टर्ड इन ऑर्डर टू मेक लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड। कोई भी लिमिटेड कंपनी अपने मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है उसको अनलिमिटेड नहीं कर सकती। अगर मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो अगर अनलिमिटेड करना चाहती है तो उसको सभी मेंबर्स की जो है कंसेंट लेना जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा, तभी वो जो है
उन मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड कर सकती है। इसके अलावा एनी अल्टरेशन विल बी वॉइड इफ इट एनहेंस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। अगर कंपनी बिना मेंबर्स की कंसेंट के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है उसको अनलिमिटेड कर देती है तो वो क्या होगी, वो अल्टरेशन जो होगी वो वॉइड होगी। इसके बाद अनलिमिटेड कंपनी के केस में, इस केस में क्या है, कोई भी अनलिमिटेड कंपनी इजीली मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है उसको लिमिटेड कर सकती है, बट इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो विद इन टाइम किसको देनी होगी, रजिस्ट्रार को देनी जरूरी है। इसके बाद है अल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज। तो देखो कैपिटल क्लॉज में कंपनी तभी अल्टरेशन कर सकती है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस चीज़ के लिए अलाउ करता है। तो लिमिटेड कंपनी कैन अल्टर इट्स कैपिटल क्लॉज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ इट्स आर्टिकल। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है तो ही लिमिटेड कंपनी कैपिटल क्लॉज में जो है अल्टरेशन कर सकती है। तो इसके लिए अगर वो तीन तरीके से कर सकती है, शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है और शेयर कैपिटल का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। फर्स्ट है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है नोटिफाई द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज इफ डिफॉल्ट फाइन बे। तो स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करने के बाद जो इसकी इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज किसको देनी होगी, रजिस्ट्रार को देनी होगी। अगर कंपनी जो है विद इन 30 डेज इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को नहीं दे पाती तो कंपनी और उसके जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स हैं वो फाइन के लिए लाइबल होंगे। तो उनका जो फाइन है वो एक्सटेंड हो सकता है 1,000 रुपीज पर डे और या फिर 5 लाख रुपीज, इनमें से जो भी कम होगा वो उन्हें फाइन पे करना होगा। तो अगर इसके बाद है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो अगर कंपनी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। इसके बाद है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल। लिमिटेड कंपनी क्या कर सकती है, शेयर कैपिटल को जो है रीऑर्गेनाइजेशन कर सकती है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ कर सकती है। तो रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकती है, बाय कन्वर्टिंग फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक हो सकता है, बाय कंसोलिडेटिंग एंड डिवाइडिंग ऑल और एनी ऑफ शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट, इस तरह से हो सकता है। तो इस तरह से जो कंपनी है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एज पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के वो बदलाव कर सकती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।